है द सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दो पे प्लस है, एक पे माइनस है बी पे, और सरफेस पोटेंशियल आपको दिया हुआ बी ए बी सी। तो हमें भी अगर एक कंडीशन यहाँ दिया हुआ कि सी की वैल्यू जो है ए प्लस बी के इक्वल है, तो हमें इन पोटेंशियल में रिलेशन निकालना है यार। देखो वैसे तो मैं डायरेक्ट अगर चार्जे डिफरेंट है तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते यार। तो अब देखो ये समझने की कोशिश करना, ये एक स्फीयर ए है और ए जिसकी रेडियस ए है और दूसरा जिसकी रेडियस बी है और ये तीसरा है जिसकी रेडियस सी है। आप एक स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो आपको लिखने आना चाहिए। तो इसके सरफेस पे प्लस सिग्मा चार्ज है, इस पे माइनस सिग्मा है, इस पे प्लस सिग्मा है। तो हमें इसके तीनों के सरफेस पे पोटेंशियल लिखना है, समझने की कोशिश करना। एक के सरफेस पे मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ, तो पोटेंशियल बी ए इसके सरफेस पे मैं लिख रहा हूँ। तो जब मैं इसके सरफेस पे लिखूंगा तो ये जो है यहाँ पर जो चार्ज है खुद उसकी वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, तो जो भी चार्ज है वो होता है के क्यू ओवर आर। ये क्या होता है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। अगर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और उस पर चार्ज क्यू है तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल इतना होता है। तो ए के लिए अब यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा तो क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, तो चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपन सरफेस एरिया 4πr² आ जाएगा। तो चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा 4πr² मल्टीप्लाइड कर दूं मैं सिग्मा से। तो फर्स्ट वाले के केस में जो आ जाएगा, समझना, तो फर्स्ट वाले के केस में मैं लिखूंगा तो खुद अब मैं इसकी वजह से लिख रहा हूं, तो इसकी वजह से 1/4πε₀k को खोल दिए और इसकी जो है चार्ज 4πr² इसकी रेडियस a² और सिग्मा डिवाइड कर दूं इसकी a, ये जो है r की वैल्यू a है, बराबर है एक। अब इसकी वजह से खत्म हो गया, एक स्फीयर पर मैंने a वाले स्फीयर पर लिख दिया, उसी तरह से अब मैं b वाले की b पे निगेटिव चार्ज है तो -4π और b वाले की, यहां पर मैं b वाले की वजह से लिख रहा हूं, यहां पे a पर मैं b वाले की, तो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर हो जाएगा और स्फीयर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना उसके अंदर ही होता है। तो b वाला जो स्फीयर है उसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना यहां भी होगा, तो ये पॉइंट इनसाइड है। तो बी वाले के लिए हो जाएगा 4π और बी स्क्वायर, उसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम है और ये डिवाइडेड बाय बी। चलो अब इसी पॉइंट पे सी वाले के लिए लिखो, तो 4π सी स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय सी, दिस इज द एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा मैं सिंपल कर लूँ और इसको मैं बार बार लगाऊंगा तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए आ जाएगा वो 4πε₀ कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा अपन ε₀, और यहाँ से मुझे मिलेगा ए ने ए को ख़त्म कर दिया माइनस बी और प्लस सी, दिस इज द। अब यहाँ से एक कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ इसको मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ से एक कंडीशन दिया हुआ कि सी की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल है, तो वो कंडीशन लगा दें सी की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल एट द सरफेस आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपन ε₀ और a माइनस बी, सी की वैल्यू a प्लस बी के इक्वल है, तो माइनस बी ने माइनस बी को, मतलब 2a सिग्मा अपन ε₀, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ a। तो एक सरफेस पे ये वाला 2a सिग्मा अपन ε₀, दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए। इतना मुझे क्लियर हो गया कि ए के सरफेस पे इतना पोटेंशियल होगा। इसी तरह से अब मैं बी के सरफेस पे निकालूँ, मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करूँगा, आप समझने की कोशिश करना। बी के सरफेस पे पोटेंशियल, अब बी के सरफेस पे इस वाले सरफेस में मिल गया, तो सिग्मा अपान ε₀ बराबर जो उधर हम लोग करके आए थे डिवाइडेड बाई इसके सरफेस पे कितना चार्ज है, तो इसी की रेडियस आएगी, मतलब b² / b बराबर है। अब बाहर वाले अंदर वाले स्फीयर की वजह से ये जो पॉइंट है वो बाहर आ जाएगा इसका सरफेस, तो माइनस साइन आएगा, माइनस बाहर वाले के आ जाएगा, तो बाहर वाले पे प्लस
बी स्क्वायर इसकी डिस्टेंस बाहर वाले इस स्पीयर के लिए ये पॉइंट बाहर आ जाएगा, तो ये उस पर चार्ज कितना था उसकी ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई बी, और प्लस इस वाले स्पीयर के लिए अंदर आ जाएगा तो इस पर चार्ज कितना था, इस पर चार्ज था प्लस सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर अपान इसकी जो है सी, दिस इज द, तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ बी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और माइनस बी और प्लस ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी, तो इसको ऐसे ही रहने दो ये, तो सी की वैल्यू ए प्लस बी डालोगे तो फिर भी जो है वो कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही हम लोग रख देते हैं। अब डालना चाहते हो तो डाल दो, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ए स्क्वायर अपन बी, सी की वैल्यू ए प्लस बी डाल दो तो बी ने बी को ख़त्म कर दिया, तो फाइनली मुझे कुछ इस फॉर्म में ये दिखेगा। इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब लिखो फाइनली इसके सरफेस पे लिखो, इस आउटर वाले के सरफेस पे लिखो, तो आउटर वाले के सरफेस पे लिखोगे तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सी, पहले तो उसी का लिख लो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट जो कि हम सिंप्लीफाई करके लेके आए हैं, और आउटर वाले के सरफेस पे पहले तो उसकी वजह से बनेगा, तो उसकी जो चार्ज है वो है सी स्क्वायर अपान सी, माइनस अंदर वाले की वजह से लिखो, अंदर वालों के लिए ये पॉइंट बाहर आ जाएगा लेकिन अंदर वाले पे चार्ज वही है तो बी स्क्वायर सी आ जाएगा, और सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटे वाले जो स्पीयर है उसके लिए लिखोगे तो प्लस सबसे छोटा वाला स्पीयर के लिए जो चार्ज है उसके सरफेस पे ही आ जाएगा और डिस्टेंस सी, तो फाइनली जो है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और ये सी माइनस बी स्क्वायर अपान सी और प्लस ए स्क्वायर अपान सी, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट सी माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये सी स्क्वायर नहीं सी होगा, तो यहाँ से अब मुझे फाइनली जो है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और सी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू ए प्लस बी के अंदर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी और माइनस बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी ब्रेकेट नहीं है, तो माइनस बी प्लस ए स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो फाइनली देखो इसको अब मुझे सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा, सॉल्व कर लो ना, बी स्क्वायर ने बी स्क्वायर काट दिया और ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर और टू ए स्क्वायर में से टू ए कॉमन आ गया तो ए प्लस बी बना, तो ये टू ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बन गया, दिस इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी है क्वेश्चन, ये देखो घबराना नहीं है, क्वेश्चन लंबा है, लेंथी थोड़ा सा बड़ा है, तो टू ये आ गया सी, मतलब ए और सी इक्वल आ गए जो कि बी के इक्वल नहीं है यार, बी कुछ अलग आ रहा है, तो फाइनली जो सोल्यूशन है वो हमारा ए और सी इक्वल आ गए और जो बी आप के इक्वल नहीं है, तो ए और सी इक्वल कहाँ है, तो डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब आपको किसी एस्पियर का पोटेंशियल, मल्टीपल एस्पियर का पोटेंशियल लिखने आता होगा।